जी क्लास आज बेटा हम रिवाइज करते हैं चैप्टर एट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एरिया अंडर ए सिंपल कर्व सिंपल टर्म्स में आप अंडरस्टैंड करें बेटा तो एरिया ये कर्व कर। है ये ये हमारे ऑर्डिनेट्स जो पर्पल एरिया दिख रहा है अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम क्या करते हैं इस कंप्लीट एरिया को स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में चेंज कर देते हैं

अप टू एक्स एक्सेस बिटवीन दीज ऑर्डिनेट्स एरिया हमने निकालना है तो ओके दिस इज़ द एरिया अब आप ये नहीं है जरूरी बेटा एरिया आपका सिर्फ विद एक्स एक्सेस निकलेगा या सिर्फ ये एक्स एक्सेस के ऊपर होगा तो डिफरेंट कंडीशंस में आपने कैसे ये फॉर्मूला चेंज करना है ये आपको समझ आना चाहिए देखिये ये तो हमने बात कर ली

तो आपने सिंपल सेम फॉर्मूला ही यूज करना है बट इट कैन बी नेगेटिव आपने इसका मॉडल ले ठीक है मॉडल लेना है डिफरेंट सिचुएशन में क्या चेंजेस होंगे ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए बेटा यस yes, देखिए अगर आपका एरिया ऐसे बने कि कुछ पोर्शन तो आपका अबव एक्स एक्सएक्सेस है कुछ पोर्शन बिलो एक्स एक्सएक्सेस है तो बिल्कुल ध्यान से इनको दोनों सेपरेट रख के सिर्फ बिलो के साथ मॉडल लीजिए बेटा ओके नाउ अगर एरिया आपका विद वाई एक्सेस बनता है वाई एक्सेस बनता है तो क्या आप करेंगे कर्व की जो इक्वेशन होगी इसको एक्सक्वल टू सम फंक्शन ऑफ वाई में चेंज करेंगे दी हुई है तो वेल एंड गुड नहीं तो चेंज करिए और उसकी लिमिट्स जज करेंगे कहाँ से कहाँ है तो एरिया अब जो होगा वो एक्स का इंटीग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटरचेंज हो गए वाई डी एक्स इंटरचेंज हो गए एक्स का एरिया होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड वाई की लिमिट्स होंगी फ्रॉम सी टू ठीक है एक्स को आप वाई के टर्म्स में रख के वाई का फंक्शन हो जाएगा उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं राइट तो ये आप बिल्कुल आपको आना चाहिए बेटा तरीका कि एक्स एक्सिस के साथ क्या कन्वीनियंट है वाई के साथ क्या कन्वीनियंट है उसको ऑब्जर्व करते हुए कैलकुलेट करेंगे अगर ये भी अगर एरिया बाई चांस मान लीजिए वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड है तो आपने मॉडल्स लेना है ठीक है और उसी ढंग से अगर हाफ हाफ है ऊपर नीचे तो आपने वो ध्यान रखना है बेटा ऊपर नीचे नहीं सॉरी लेफ्ट राइट राइट वाले को आपने एस एच लेना है लेफ्ट वाले को मॉडलस लेना है यस एरिया बाउंडेड बाय सम सिमेट्रिकल कर्व्स आपके आ सकते हैं जैसे ये पैराबोला के एरिया पूछा है इस ऑर्डिनेट से इस ऑर्डिनेट के बीच में ये कंप्लीट पूछा हो तो बेटा आपको दो सिमेट्रिकल पार्ट दिखेंगे ग्रीन वाला और पर्पल वाला एरिया सेम है ठीक है तो आप सिंपली क्या करेंगे ये एरिया निकालेंगे और उसका ट्वाइस करेंगे जब भी आपको सिमेट्रिकल एरिया दिख रहा है तो आप ध्यान रखिए कि बेसिक एरिया कौन सा है जो आप निकाल लें और उसका कितना टाइम्स आपको करना है ये आपने केयरफुली देखना है एलिप्स का एरिया पूछा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको हमेशा प्रैक्टिस रहती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल लीजिए फोर टाइम्स कर दीजिए ऐसी सर्कल का पूछा है कुछ आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लीजिए और फोर टाइम्स कर दीजिए फोर इक्वल पार्ट्स हैं ठीक है देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन वाई स्कूल टू फोर एक्स एंड लाइन एक्सलोर एंड एक्स एक्स क्लियर कट बोला कर्व आपको एग्जैक्ट नहीं चाहिए बिल्कुल आपको कर्व की सही एग्जैक्ट शेप चाहिए ठीक है ये नहीं कि मेजरमेंट करने लग जाओ बट हाँ बिल्कुल आपका कहीं कोई पॉइंट आपको पता चलता है तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है बेटा वर्ड एक्स जीरो जीरो और राइट वर्ड वाला कर्व है बिल्कुल उसको ड्रॉ करिए एक्स इज्कुल टू वन आप एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकते हैं ये ऑर्डिनेट है एक्स इजक्ल टू फोर आप एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकते हैं ये ऑर्डिनेट है और एक्सेस आपको ये पता है ठीक है तो एरिया क्या हो गया बेटा एक्चुअली लैंग्वेज यहाँ पर ये बुक की लैंग्वेज ये मैंने कैच की हुई है बट ये मैं समझती हूँ इनकम्प्लीट लैंग्वेज है आपको कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का है तो एरिया ये भी काउंट कर सकता है स्टूडेंट ये भी काउंट कर सकता है और पूरा भी काउंट कर सकता है तो राइट नाउ मैंने कम्प्लीट ही लिया बेटा पूरा एरिया मेट्रिकल पार्ट है तो ट्वाइस किया है बट इसमें हमेशा थोड़ी सी लैंग्वेज गौर से पढ़िए बेटा जनरली दिया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट या कहाँ ये दिया होगा तो आपने उसी हिसाब से लिखना है ठीक है नहीं है तो बिल्कुल लिखिए जो भी एम्बिकुअस क्वेश्चन होता है बेटा उसकी स्टेटमेंट का फिर फेवर स्टूडेंट को ही दिया जाता है ठीक है तो ये ट्वाइस हो गया बेटा ट्वाइस किसका वाई डीएक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेज निकाल रहे हैं ना वाई डीएक्स फ्रॉम लिमिट्स वन टू फोर क्लियर कट लिमिट पता चल रही है और वाई यहाँ क्या है क्योंकि टू बाई थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर तो so, रख दिया एट बाय थ्री अपर लिमिट पुट की फोर लोअर लिमिट पुट की वन फोर पावर थ्री बाय टू माइनस वन पॉवर थ्री बाय टू इसको कैलकुलेट किया दिस वुड बी एट दिस बी वन 7, 7 8, 56 ये आपका एरिया ओके okay? अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता सिर्फ तो इसका हाफ होता चलिए फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एक्सर प्लस टू नाइन सर्कल में आप क्लियर कट रेडियस पढ़ पा रहे हैं आपको बिल्कुल पता है पाईआर स्क्र एरिया होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप बिल्कुल उससे निकालिए बेटा नो इशू बट ये डेफिनेटली जब एरिया में आएगा तो यूजिंग इंटीग्रल्स आएगा तब आपने इसी ढंग से करना है ठीक है आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया सेंटर जीरो जीरो है, आपको पता चल रहा है रेडियस थ्री है आपको पता चल रहा है तो एरिया भी कहा से कहा जीरो से थ्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया और फोर इक्वल पार्ट्स हैं तो फोर टाइम्स कर दिया और विद एक्स एक्सेस ले रहे हैं इसको एक्स डी वाई भी ले सकते थे तब भी लिमिट जीरो टू थ्री आती अभी हमने विद एक्स एक्सेस ले लिया तो वाई डी एक्स ठीक है वाई का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स और लिमिट जीरो टू थ्री अब यहां से जो वाय है ना वो केयरफुली निकालना होता है स्पेशली वैसे सर्कल में तो कर लेते हैं बच्चे लेकिन जो गड़बड़ होती है बेटा वो सबसे ज्यादा गड़बड़ एलिप्स में होती है चलिए वहां भी बताएंगे जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये आपने एक्सप्रेस कर दिया इसे ये एक्सप्रेस कर दिया स्क्वायर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का इंटीग्रल का फॉर्मूला आपको बोला था तब भी वहां कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एरिया में बार बार यूज होता है क्या है ए रूट ऑफ A X का इंटीग्रल एक बार दोबारा याद दिला तीनों ये एक्सप्रेशन सभी फॉर्मूले में सेम होता है बेटा ये आपका जिसका इंटीग्रल निकाल रहे हो वही लेते हो यहाँ पर आपका डिफरेंस होता है और वो आपने वन अपॉन वाले फॉर्मूले से जो याद किया होता है वही लिखते हैं आप ठीक है डेफिनेटा वैसे सी हमने लेना नहीं है बट फॉर्मूला रिकॉल करा दिया अब आप जब इसको पुट करोगे तो एक्स बाय टू स्क् रूट थ्री स्क्र माइनस एक्स स्क् प्लस ए एस थ्री थ्री स्क्न साइन इनवर्स एक्स बाय थ्री ओके इसमें लिमिट्स पुट पुट कर दीजिए आप लिमिट की पहले ये जीरो बन जाएगा आप नहीं भी लिखेंगे ओके okay? आपको समझ आनी चाहिए प्लस मैं अभी ये पूरा वैसे ही पुट करके दिखा रही हूँ बट मैं जनरली जो करती हूँ बेटा वो आपको प्रैक्टिस से पता है जो जो मेरे साथ कर रहे होंगे और रादर मैं समझती हूँ आपकी भी अपनी हैबिट अभी तक बन चुकी होगी जो भी बननी है ठीक है अभी यहां पर मैंने पूरा अपर लिमिट पुट किए इसमें फिर इसमें पुट की नाइन बाई टू साइन इन थ्री बाई थ्री दैट मीन साइन इनवर्स वन माइनस इसमें पुट की देखो इसके कारण जीरो हो गया तो ये ना लिख के जीरो भी लिखोगे ओके okay, ये पूरा ना लिख के जीरो भी लिखोगे ओके okay, ठीक है आपको एक समझाने का तरीका होता है कैसे आया माइनस यस यहां माइनस है माइनस थ्री स्क्र बाय टू साइन इनवर्स वर्स जीरो साइन इनवर्स वर्स जीरो जो क्योंकि जीरो ही हो जाना है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा था इस साइन पे बट वी शुड बी केयरफुल नाइन बाय टू साइन इनवर्स वर्स वन इज बाई बाय टू और ये आपका जीरो बन गया ये भी साइन इनवर्स वर्स जीरो की वजह से जीरो बन गया तो सिर्फ ये एरिया रह गया इन टू फोर फोर नीचे भी था कट गया नाइन पाई स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया भी. ठीक है वन मार्क में आए तो बिल्कुल ये यूज करो बेटा या चेकिंग के लिए भी ये यूज कर सकते हो आप बिल्कुल केयरफुली बट वन मार्क में मैं बिल्कुल कहूंगी आपको एरिया इंटीग्रल का ना यूज करके जहाँ जहाँ जो फॉर्मूला पता है वो यूज करिए जैसे एलिप्स में भी पता होता है बेटा पाई ए बी तो वन मार्क में आए तो एलिप्स में भी उसी से कैलकुलेट करिए फटाफट ए क्या है यहाँ देखिए थ्री स्क्वायर ये थ्री स्क्वायर लिखोगे आप एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस ये लिखा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर ए थ्री और बी टू तो एरिया तो हमें पता है थ्री इंटू टू इंटू पाई सिक्स पाई आने वाला है ठीक है चेक आप कर सकते हो लेकिन जब बाय इंटीग्रेशन का तो ये जो मैं आपको कह रही थी कैलकुलेशन गड़बड़ करते हैं बेटा इसलिए ये क्लियर कट स्टार्टिंग में मैं बता रही हूं ये एरिया हम लिखेंगे फोर टाइम्स करेंगे ये एरिया भी हमारा डिपेंड करता है हम वाई टू डी एक्स अगर ले रहे हैं जीरो टू थ्री और अगर एक्स डी वाई लेंगे तो वो लेंगे जीरो टू टू ठीक है अभी वाई डी एक्स किया हुआ बेटा तो मैं वाई निकाल रही हूँ दूसरी तरफ और परफेक्ट स्क्वायर में ही रखी हुई है मैं नहीं चेंज कर रही इसे एलसीएम ले लिया थ्री स्क्र माइनस एक्स स्क् स्क्वायर हो गया ये टू स्क्वायर भी इधर ले आए बेटे मल्टीप्लाई होगा अब क्या है ये दोनों कॉन्स्टेंट ऊपर और नीचे सिर्फ ये मैं सर्ड में रहने दूंगी ये हो गया इसको सर्ट से, से बाहर करूंगी ये फोर बाय नाइन हो गया बट सर्ट से बाहर करूंगी इसे तो ये हो जाएगा टू बाय थ्री ठीक है वाई हो जाएगा टू बाई थ्री स्क्र रूट ऑफ थ्री स्क्र माइनस एक्स अगेन स्क्यर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्सक्र का फॉर्मूला रह जाएगा ठीक तो है टू बाय थ्री तो कौन है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो ये चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा मैं अपनी चेकिंग करते हुए ऑब्जर्व करती हूँ बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं इसकी आदत डाल लीजिएगा बेटा ठीक है इसकी खुद लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए चलिए अब एरिया क्या हो गया वो आपको पहले बता दिया फोर टाइम्स इंटीग्रल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई की ले रहे लिमिट तो जीरो लिखवाया आपको और अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो जीरो पुट किया हमने बेटा टू बाई थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे 3, इसका अभी हमने फॉर्मूला जो यूज किया वही है एक्स बाय टू स्वयर रूट थ्री स्क्वायर माइनस एक्स स्क्सर बाई टू साइन इनवर्स वर्स एक्स बाय थ्री अगेन सिमिलर ढंग से हमने पुट करना है ये और हमारा वही आएगा बिल्कुल सेम लाइंस पर है बेटा नाइन पाई बाय फोर लेकिन इसको मल्टीप्लाई किया एट बाय थ्री से तो हमारे पास आंसर आ गया ठीक है और ये हम इस फॉर्मूले से चेक भी कर सकते हैं ठीक है ये फॉर्मूला याद रखिए दोनों का सर्कल का तो जनरली याद होता है जूनियर क्लासेस से करते जा रहे हैं बेटा लेकिन एलिप्स का भी याद रख सकते हैं अपना आंसर चेक करने के लिए ओके okay? तो ये सिंपल कर्व्स के अंडर एरिया है बेटा बेटा एरिया बिटवीन टू कर्व्स सच आपको सिलेबस में नहीं है बट इसे कंफ्यूज मत करिए बिल्कुल एरिया बिटवीन ए कर्व एंड लाइन है आ सकता है आपने सैंपल पेपर देखे प्री बोर्ड बेस के सब में ऐसे क्वेश्चन थे बेटा और रीजन वाले क्वेश्चन रीजन वाले क्वेश्चन जरूर देखिए मैंने आपके से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर किए हैं डिस्कस किए हैं पेपर में सब में किया हुआ है वो आप बिल्कुल गो थ्रू करिए ठीक है बट स्टिल यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हम समझना चाहेंगे चलिए एक बार ये भी बता देती हूँ सीयूटी में तो काम आना है इस कर्व के अंडर इस कर्व के अंडर दो एरिया दिख रहे हैं इस कर्व के अंडर ये कंप्लीट एरिया इस कर्व के अंडर एरिया जो है वो हमें नहीं चाहिए तो ऐसे केस में जब हमें एरिया बिटवीन टू कर्व्स निकालना है ना बेटा तो इस कर्व के अंडर एरिया टू बी एफ एक्स डी एक्स और ये y is equal to Gx, अंडर कर कर इसके एरिया सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट। देते, ऐसे ही कई बार एडिशन हो सकता है कई बार सब्ट्रैक्शन हो सकता है जैसे यहाँ पर इसके अंडर ये पूरा इसके अंडर सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ गया लेकिन इस केस में उल्टा हो गया जी ऊपर एफ एक्स नीचे तो जी के अंडर माइनस एफ एक्स के अंडर ठीक है बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग इन टू डीप बस इसमें कुछ पोर्शन है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं एरिया बिटवीन टू कर्व्स नहीं एरिया बिटवीन ए कर्व एंड लाइन आ सकता है वो तो आप जरूर गो थ्रू करिए यस सेट बिल्डर फॉर्म में जब एरिया दिया होगा ना बेटा तो इन इक्वालिटीज दी होंगी आप देख रहे हैं ये आपके जरूर सैंपल पेपर्स में आ रहे हैं आजकल क्वेश्चन तो इनको जरूर समझिए बेटा आप नो डाउट इन इक्वालिटीज के साइन आप अपने चेक करने आते हैं आपको सर्कल ने एक तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ये सर्कल के इनर और सर्कल के आउटर आप चेक कर सकते हो कोई भी पॉइंट करके बट मैं कहूंगी आप डायरेक्ट याद रखिए कि कौन सा कव कहाँ से आपका एरिया आना है देखिए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस देन इक्वल टू ए स्केयर जब ये वेरिएबल वाली साइड की तरफ लेस देन पार्ट है ना लेस देन वाला है तो अंदर का एरिया है बेटा अंदर के एरिया से हम कंसर्न है ये ध्यान रखेंगे यही अगर ग्रेटर देन होता तो बाहर के एरिया से हम कंसर्न होते ठीक है ये ग्रेटर देन आ गया तो बाहर का एरिया हमारा कंसर्न एरिया है तो ये आप जरूर समझिए बेटा सभी का उसके लिए सभी के लिए देखे देखिए ऐसा है यहाँ पैराबोला में बाई चांस दोनों तरफ वेरिएबल है लेकिन जहां स्केयर वाले की तरफ अगर लेस देन है इक्वालिटी तो अंदर का एरिया है और अगर ग्रेटर देन है उस तरफ तो बाहर का एरिया है। ठीक है मैं सिंपल शॉर्ट हिंट बता रही हूँ आप पॉइंट लेके तो कभी भी चेक कर सकते हैं ये टू जीरो पॉइंट है पुट कर दिया है इसमें जीरो लेस देन इक्वल टू फोर ए इंटू टू ये आएगा ट्रू आएगा हाँ ये शेड होगा ये तो आप कभी भी चेक कर सकते हो बेटा बट बिल्कुल हिंट दे रही हूं आपको याद रखिए जिससे ठीक है और कुछ मुश्किल नहीं है कोई बहुत ज्यादा चीजें याद करनी होती तो मैं आपको कहती स्क्र वाला पार्ट की तरफ लेस देन है इनर वाला एरिया है स्क्यर वाले पार्ट की तरफ ग्रेटर देन है आउटर एरिया है ठीक है ऐसे ही एलिप्स के केस में वेरिएबल वाली साइड लेस देन है इनर का एरिया है वेरिएबल वाली साइड में ग्रेटर देन है तो आउटर का एरिया है ओके मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ आपका सपोर्ट मटेरियल का ही एक क्वेश्चन ले लेती हूँ बेटे ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सपोर्ट मटेरियल में एक्स वाई एक्स स्क् प्लस वाई स्क्र इज लेस इक्वल टू वन एंड लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई ठीक है सेट बिल्डर फॉर्म में एक तरीके से एरिया दिया है इसको आपने कैलकुलेट करना है एरिया को अब x y आप समझ रहे हैं? अंदर का एरिया, है, ये वाला एरिया। और इसको रेडियस हम वन मान लेते हैं ठीक है यही फिगर कंसीडर कर लेते हैं एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन एक्स प्लस वाई ग्रेटर टू वन एक्स प्लस वाईक्वल टू वन करते हैं तो आप इसको बिल्कुल मैं इसको वन ले रही हूँ ठीक है बेटा आप इसको बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं इजिली आता है आपको ये आपकी आएगी लाइन ठीक है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन भी आपको ध्यान रहता है वैसे अपर है बट स्टिल जीरो जीरो आप पुट कर देंगे तो जीरो ग्रेटर than इक्वल टू वन फॉल्स तो आपकी ये वाली शेडिंग है तो आपका एरिया जो हो गया वो यहाँ पे ये हो गया ठीक है ये इस इनक्वालिटी में मत जाइएगा ये इनक्वालिटी कंसिडर करिए वेरिएबल की तरफ लेस देन मतलब सर्कल के इनर का एरिया ठीक है और ये इन इक्वालिटी ने कहा लाइन के अपर का एरिया तो कॉमन एरिया क्या आया जो हमें कैलकुलेट करना है ये आया ठीक है इसके लिए अभी मैं आप रिलेशन आप निकालू आपका एरिया जो होगा रिक्वायर्ड एरिया जो आपसे पूछा है दैट विल बी वाई डी एक्स अंडर दिस सर्कल और कहा से जीरो से वन ये एक्स इक टू वन है ध्यान रखिए जीरो से वन अंडर सर्कल ठीक है माइनस लाइन के अंडर जो ये एरिया आ रहा है हमें नहीं चाहिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो टू वन वाई डी एक्स बट अंडर लाइन आपको समझाने के लिए लिख रही हूं आप ये सीधा जो अगली लाइन लिख रही हूँ आप वो लिख सकते हो सीधा वाई क्या आया बेटा सर्कल से इन इक्वालिटी नहीं लेनी अब जब यहाँ लेना है इक्वालिटी लेनी है वाई स्क्र क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्र तो वाई हो गया स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्र ठीक है और इधर से वाई क्या हो गया बेटा जीरो टू वन वाई हो गया वन माइनस एक्स बस इसको आपने इंटीग्रेट करना है और निकालना है okay? ओके तो ये एरियाज बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी करवा रखे हैं आपको और जहां जहाँ प्री बोर्ड और प्रीवियस ईयरस में हुए हैं यूज वो भी बता रखा है ये स्पोर्ट मटेरियल का भी आपको बता दिया इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और इसके लिए ही ये शेडिड एरिया बताए हैं ओके तो बहुत स्मॉल पार्ट है बेटा इसमें से आना उसकी थारो प्रैक्टिस रखिए ताकि जो भी क्वेश्चन आए आप कर सके चलिए ऑल दी बेस्ट बेटा